जनपद गाजीपुर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को प्रातःकालीन थाना खानपुर के अंतर्गत रमापुर ग्राम समाज स्कूल के पास एक अजय यादव नवयुवक जो बहुमौली कला के निवासी थे, गोली उनके सर में लगी हुई थी। उनके पास से दो पिस्टल मिली थी और उनकी सांसें चल रही थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से उठाकर के हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिजनों की सूचना दी। उसके बाद बनारस हेल्थ से बनारस ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर किया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। तहकीकात से परिजनों से बातचीत से पता चला कि श्री अजय यादव पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे जनपद अमेठी में नियुक्त थे और यहां पे अवकाश पे आए हुए थे। उनके परिजनों ने उनके हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों को दुग्ध उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा सर्विलांस की स्वास्थ्य की स्थिति के नेतृत्व में खानपुर की और फैजपुर की और कासिमाबाद इंस्पेक्टर की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त की गई थी और यहाँ की जो फोरेंसिक टीम थी उसको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बनारस से एक फोरेंसिक टीम को भी रेंज महोदय ने भेजा था। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उससे पता चला कि अजय यादव को प्रातःकाल जब वो घर से निकले थे तो किसी ने कॉल किया था। उस कॉल का डिटेल लिया गया तो पता चला एक पास के ही गांव की इचवल की एक लड़की थी जिसकी कॉल थी और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2018 में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी, ऑनलाइन मैरिज रजिस्टर कर ली थी। और तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके लड़की के परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की के पिता राजेश कुमार सिंह ने ऑनलाइन दुर्सुदी की शिकायत दर्ज कराई। उसपे इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर और उनके आसपास की खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, इस पर मौके पर पुलिस गई। जिस स्थान पर डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इसका इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 मॉर्निंग में उसको वहां पे प्लग किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चद्दर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहां से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का, सारा इन्वेस्टिगेशन एसएसपी गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने और एक खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुल्तान स्थान पर लेकर के गए जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संदिग्ध अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और
इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की इस बात से तो यही लगता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और साक्ष्य के क्रम में इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।